अब्दुल्ला अस्वद का, वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का, वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का, वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का, वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का, अब्दुल्ला अस्वद का जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का, वो जिनके दिल में सच्चा मोहम्मद का, वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का। आइए हुजूर, यहां से पहला बंद पेश कर रहा हूं। तमाम सामीन बगौर समाज फरमाले, तवज्जो चाहता हूं। लिखा है हजरत अब्दुल्ला अस्वद सख्त काले थे, बहुत से दाग उनके चेहरे पे चेचक ने डाले थे, भयानक ऐसी सूरत थी के जो बिल्कुल न भाती थी, जो उनको देखता था दिल में दहशत बैठ जाती थी, इसी बाइस वो अपने रुख पे पर्दा डाले रहते थे, अकेले झाड़ियों में छुप के वो तन्हाई सहते थे, किसी के पास जाते थे न कोई पास आता था, फकत को ऐसी माती दिल को उन पर प्यार आता था, किसी महफिल में चेहरा खोल कर वो जाना सकते थे, किसी तकरीब में शिरकत कहीं वो करना पाते थे, सरे रहा एक दिल बैठे हुए थे आप झाड़ी में, ख्याल आया था कुछ मशगूल थे वो अश्क बारी में, उधर से काफिला गुजरा जो बातें करता जाता था, मोहम्मद मोहम्मद कितने अच्छे हैं कोई ये कहता जाता था, उधर से काफिला गुजरा जो बातें करता जाता था, मोहम्मद कितने अच्छे हैं कोई ये कहता जाता था, गरीबों हमजदों को और ज़ईफों को निभाते हैं, यतीमों बेकसों को पास वो अपने बिठाते हैं, सभी से आप करते हैं खुलूस प्यार की बातें, सभी से आप करते हैं खुलूस प्यार की बातें, सभी से आप करते हैं खुलूस प्यार की बातें, असर करती है दिल पर सैयद अबरार की बातें, असर
सभी से आप करते हैं खुलूसों प्यार की बातें, असर करती है दिल पर सैयदे अबरार की बातें। अभी आप झाड़ियों में बैठे हुए रो रहे थे कि उधर से काफिला गुजरता है जो मेरे आका की तारीफें कर रहा है। अब्दुल्ला अस्वद झाड़ियों से निकलकर बाहर आ जाते हैं और काफिले वालों से क्या कहते हैं, समा फरमा लें। ये बोले, ये सुनकर बोले अब्दुल्ला बताओ कौन है ऐसा, वो हम जैसों को भी क्या प्यार दे सकते हैं सच कहना। कहा ये काफले वालों ने शीरी जाम है उनका, खुदा के वो नबी हैं और मोहम्मद नाम है उनका। मचल उठता है उनको देख कर दिल सबके सीने में, वो मक्का शहर से तशरीफ लाए हैं मदीने में। किसी से आज जाना सरवरे दी का पता पूछा, जो पहुंचे मस्जिद नबवी के दर पे तो वहां देखा रसूल। जैसे चौदवी का चांद होता है सितारों में, के जैसे चौदवी का चांद होता है सितारों में, के जैसे चौदवी का चांद होता है सितारों में, के जैसे चौदवी का चांद होता है सितारों में। अब्दुल्ला अस्वद कई दिन का सफर तय करने के बाद मस्जिद नबवी के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। क्या देखते हैं कि मेरे आका सहाबा इकराम की अंजुमन में इस तरह से बैठे हुए हैं कि जैसे चौदहवीं की रात में तारों की अंजुमन में चौदहवीं का चांद हुआ करता है। आए है क्या नजारा रहा होगा उस वक्त जब अब्दुल्ला अस्वद सामने होंगे और मेरे आका का जलवा देख रहे होंगे। समा फरमा लें। रसूल अल्लाह जलवा फरमाए यूं जान सारों में, के जैसे चौदहवीं का चांद होता है सितारों में। अजब हालत थी उस दम हजरत अब्दुल्ला अस्वद की, हुए बेखुद वो देखी जिस घड़ी सूरत मोहम्मद की। उन्हें जब झांकते प्यारे रसूल अल्लाह ने देखा, कहा क्या बात है आओ ये बोले प्यार से आका। ये सुनकर दो कदम आगे बढ़े और रुक गए फौरन, तो फरमाया ये आका ने बताओ है कोई उलझन, दिखाओ अपना चेहरा और आगे बढ़ के आ जाओ, सुनाओ आके अपना मुद्दा बिल्कुल ना शर्माओ। मेरे आका कहते हैं कि कौन हो आगे बढ़ के आ जाओ। अब्दुल्ला अस्वद दो कदम आगे बढ़ाते हैं और रुक जाते हैं। मेरे आका कहते हैं कि आओ बढ़ के आ जाओ। अब्दुल्ला अस्वद आगे बढ़ जाते हैं और क्या होता है, समा फरमा लें। ये सुनकर दो कदम आगे बढ़े और रुक गए फौरन,
तो फरमाया ये आने बताओ है कोई उलझन, दिखाओ अपना चेहरा और आगे बढ़ के आ जाओ, सुनाओ आके अपना मुद्दा बिल्कुल ना शर्माओ, हटाया चेहरे से पर्दा बढ़े फिर दो कदम आगे, फरिश्तों ने कहा खुश हो नसीबे आज है जागे, रसूल अल्लाह ने फिर उनसे फरमाया के पास आओ, परेशानी है क्या अपना मुफसिल हाल बतलाओ, तुम्हारी आजिज़ी मिस्कीनी ये हमको पसंद आई, ये सुनकर आंख अब्दुल्लाह की अश्कों से भर आई, गिरे वो दौड़ कर कदमों पे सरकारे तो आलम के, कहा सर्रा नबाजी पर हमारे जानो दिल सदके, नबी है आप अल्लाह पाक के हमको यकीन आया, बताया काफले वालों ने जो उससे सिवा पाया, अजब था हाल उस दम हजरत अब्दुल्लाह अस्गर का, अजब था हाल उस दम हजरत अब्दुल्लाह अस्गर का, अजब था हाल उस दम हजरत अब्दुल्लाह अस्गर का, ज़बानों दिल से पान पड़ लिया अजबता हाल, टेबल बढ़ाएं इसमें, अजबता हाल उस दम हजरत अब्दुल्ला अस्वद का, ज़बानों दिल से फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का, आप दाखिले इस्लाम हो जाते हैं और कलमे तैयब पढ़ लेते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद क्या होगा समा फरमा लें, समझ में आ रहा है, जरा हाथ उठाएं किस किस की समझ में आ रहा है, हा हा समाज फरमा ले, अजब था हाल, अजब था हाल उस्तम हजरत अब्दुल्ला अस्वद का, ज़बानों दिल से फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का, रसूल अल्लाह ने फिर दस्त शफ़क़त रख दिया सर पर, सहाबा ने मुबारकबाद दी उनको गले मिलकर, वो ममनू ने करम था कर दिया सरशार आपने, दिया है बाप माँ से भी ज्यादा प्यार आपने, लेकिन अब्दुल्ला अस्वद कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, तमाम जहान वाले हमसे नफरत करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक हमारी माँ है जो हमसे प्यार करती है, ये हक बात है कि वालिदैन के लिए औलाद लूली हो लंगड़ी हो काली हो गोरी हो कैसी भी हो, लेकिन माँ के लिए औलाद कोई नूर हीरे से कम नहीं होती, समाज फरमा लें, कहा सरकार एक माँ के सिवा सबने ही ठुकराया, हुजूर अनवर ने हम जैसे बुरों को भी है अपनाया,
ये फरमाया शहीदी ने बता आरजू क्या है, तो बोले आपके कदमों में रहने की तमन्ना है। ये फरमाया रसूल अल्लाह ने कुरान पढ़ा कीजिए, इजाजत है हमारे पास मस्जिद में रहा कीजिए। वही अब्दुल्ला असबद के खुशी से दिल गुजरते थे, जो थे असहाबे सुफा उनसे वो कुरान पढ़ते थे। वो बैठे थे सहन में एक दिन मस्जिद के अफसरदा, हमारा नाम आगे चल न पाएगा ख्याल आया। अब्दुल्ला असवद मस्जिद नबवी के सहन में बैठे हुए हैं, दिल में ख्याल आ रहा है कि हमारी शादी नहीं हो सकती, जब हमारी शादी नहीं होगी तो हमारा नाम हमारी नस्ल आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे आका पर, मेरे आका जब अब्दुल्ला असवद का उतरा हुआ चेहरा देखते हैं तो आप कहते हैं कि क्या हुआ अब्दुल्ला? अब्दुल्ला असवद कहते हैं मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह हमारी शादी नहीं हो सकती। लेकिन मेरे आका सहाबा इकराम को बुलाते हैं कि बताओ मदीने में किसकी लड़की सबसे ज्यादा खूबसूरत है? तो सहाबा इकराम कहते हैं कि एक तजार है, तिजारत करने वाले हैं, उनकी लड़की पूरे मदीना शहर में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। अब अब्दुल्ला असवद अपनी शादी का पैगाम उस तजार के घर लेकर जाएंगे, क्या वो तजार शादी के लिए राजी हो पाएंगे? समाज फरमा ले रसूल पाक अपने हुजरे में तशरीफ जब लाए, तो फरमाया नबी ने मुस्कुरा कर क्यों हो मुरझाए। कहा सरकार हम जैसों की शादी हो नहीं सकती, चलेगा नाम कैसे नस्ल जब आगे नहीं होगी। सहाबा से कहा सरकार ने इस शहर के अंदर है किस मोमिन की लड़की सबसे ज्यादा हुस्न में बढ़कर। सहाबा ने कहा तजार है एक उनकी दुख्तर है, सहाबा ने कहा तजार है कि उनकी दुख्तर है, सहाबा ने कहा तजार है एक उनकी दुख्तर है। जवां है नेक है सूरत मिसाल माहे अनवर है, जवां है अब्दुल्ला असवद हेलो हेलो अब अपनी शादी का पैगाम लेकर उस तज्जार के घर जा रहे हैं, क्या वो तज्जार शादी के लिए राजी हो पाएंगे? समा फरमा ले हेलो हेलो। गए अब्दुल्ला असवद फिर उसी तज्जार के घर पर, कहा सरकार ने भेजा है जो है आपकी दुख्तर।
हमारे साथ उस दुखतर की शादी आप कर दीजिए, हमारा दामन उम्मीद हजरत आप भर दीजिए। कहा ये तैश में तज्जार ने के तू अभी मरता, अगर सरकार की निस्बत न होती सर कलम करता। वो तज्जार अब्दुल्ला अस्लम को देखते हैं और अपनी बेटी का चेहरा जहन में लाते हैं, कहते हैं कि कम से कम अपनी शक्ल तो आईने में देखा दे, पूरे मदीना शहर के अंदर मुझे कोई लड़का पसंद नहीं आया, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करूंगा, अगर सरकार की निस्बत ना होती तो कसम खुदा की मैं तुम्हारा सर कलम कर देता। लेकिन आगे क्या होगा समा संभाले। कहा ये तैश में तज्जार ने के तू अभी मरता, अगर सरकार की निस्बत न होती सर कलम करता। तेरी सूरत भयानक है तू काली शक्ल वाला है, मेरी लड़की हंसी ऐसी है के घर में उजाला है। मदीने का कोई लड़का पसंद आया नहीं मुझको, बुरी से भी बुरी लड़की कोई देगा नहीं तुझको। ये सुनकर चल दिए अब्दुल्ला अस्बद घर से ताजिर के, तभी लड़की ने फौरन आके पूछा अपने वालिद से, कहो तो किस पे गुस्सा हो रहे थे इस कदर बाबा। कहा बेटी बड़ा बदशक्ल एक लड़का अभी आया, वो मुझसे कहता था कि अब्द कर दूं अपनी बेटी का, अगर सरकार की निस्बत न होती सर कलम करता। कहा लड़की ने जब सरकार दो आलम ने भेजा था, बड़े ही फखर की है बात क्यों इनकार फरमाया। वो लड़की कहती है कि बाबा जान आप किस पे गुस्सा हो रहे थे। वो तज्जार कहते हैं कि बेटी बड़ा ही बदशक्ल एक लड़का भी आया था, वो मुझसे कहता था कि अपनी बेटी की शादी हमारे साथ कर दीजिए, लेकिन वो ये भी कहता था कि मुझे सरकार ने भेजा है। आए है लड़की जब इतनी बात सुनती है तो कहती है कि बाबा जान ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि पूरे मदीना शहर के अंदर सरवरे कायनात फखरे मौजूदात मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर करम फरमाया है कि हमें अपनी मोहब्बत के लिए चुना है। बुरा कैसा ही हो लड़का रसूल अल्लाह ने भेजा है, गुलामी मुस्तफा बाबा हमें शाहों से अच्छा है। क्या होता है समा फरमा ले। कहा लड़की ने जब सरकार दो आलम ने भेजा था, बड़े ही फखर की है बात क्यों इनकार फरमाया। मदीने भर में आका ने हमी पर मेहर फरमाई, वसीले से नबी के ये हमें मंजूर है शादी। बुरा कैसा भी हो लड़का रसूल अल्लाह ने भेजा है, बुरा कैसा भी हो लड़का रसूल अल्लाह ने भेजा है, बुरा कैसा भी हो लड़का रसूल अल्लाह ने भेजा है। गुलामी मुस्तफा बाबा हमेशा हो जाता है, गुलामी मुस्तफा बाबा हमेशा।
बुरा कैसा ही हो लड़का, रसूल अल्लाह ने भेजा है। गुलामी मुस्तफा बाबा हमेशा हूं से अच्छा है। वो तज्जार अब्दुल्ला असद अभी घर से निकल गए, कुछ दूर पहुंच जाते हैं। वो तज्जार आवाज देते हैं कि ए नौजवान लौट कर वापस आओ। अब्दुल्ला असद डर जाते हैं। डर ये था कि कहीं ये मेरा सर कलम न कर दे, लेकिन डरते डरते अब्दुल्ला असद लौट कर वापस आते हैं। वो तज्जार कहते हैं कि ठीक है, हमें ये रिश्ता मंजूर है, जुमे के दिन तुम अपनी बारात लेकर आ जाना, हम अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर देंगे। अब क्या होगा समा फरमा ले। बुलाया उसको ताजिर ने, कहा मंजूर है शादी जुमे के दिन। चचा मियां तवज्जो ज्यादा हूं। बुलाया उसको ताजिर ने, कहा मंजूर है शादी जुमे के दिन, तुम अपने अक्द की कर लेना तैयारी। ये सुनकर बाखुशी अब्दुल्ला असद लौट कर आए। रसूले पाक ने पूछा तो सब हालात बतलाए। अब्दुल्ला असद लौट कर मस्जिद नबवी में आ जाते हैं। मेरे आका अब्दुल्ला असद से कहते हैं कि क्या हुआ अब्दुल्ला। अब्दुल्ला असद कहते हैं मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह, वो तज्जार शादी के लिए राजी हो गए हैं। मेरे आका मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि अब्दुल्ला तुम शादी तो तय कराए, अब ये बताओ शादी पे खर्च करने के लिए रुपया पैसा है। अब्दुल्ला असद फिर कहते हैं मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह, जब आप हैं तो मुझे किस बात का गम। मेरे आका अब्दुल्ला असद को कुछ पैसे देते हैं। अब्दुल्ला असद वो पैसे लेकर मदीने के बाजार में घूम रहे हैं, चेहरा ढका हुआ है, शर्म की वजह से कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं। शर्म ये थी कि कहीं कोई ये ना कह दे कि लो ऐसों की भी शादी होने लगी। लेकिन तभी असर की नमाज के बाद मस्जिदों से एक ऐलान होता है कि दुश्मना ने मक्का ने मदीने की सरहद पर चढ़ाई कर दी है, कल एक लश्कर हुजूर की कयादत में मदीने की सरहद पर लड़ने जा रहा है, जिसको भी जंग में शिरकत करनी है वो फज्र की नमाज के बाद लश्कर में शरीक हो जाए। अब अब्दुल्ला असद शादी का जोड़ा नहीं खरीदते बल्कि एक तलवार खरीद लेते हैं और लश्कर में शरीक हो जाते हैं। किस तरह से अब्दुल्ला